हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज बात करेंगे कि स्कैफोल्ड इरेक्शन करने का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से करना चाहिए और इरेक्शन के टाइम में वहां पे सेफ्टी मेजर क्या लेना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज उस पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू इरेक्ट स्कैफोल्ड, यहाँ पे किस तरह से करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, इट शुड बी इरेक्टेड ऑन लेवल फर्म ग्राउंड। सो जहाँ भी इसका फोल्ड का इरेक्शन हो रहा है वहाँ का ग्राउंड कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए। दूसरा है, इट शुड बी इरेक्टेड बाई ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सन। तो जिनके थ्रू इसे इरेक्ट करवाना है वो आदमी को ट्रेंड होना चाहिए, वो स्किल आदमी होना चाहिए जो उस काम को पहले से कर रहा है या उसको ट्रेनिंग दी गई है ताकि उसको उस काम को किस तरह से करना है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो। नेक्स्ट देखेंगे, इट शुड बी कंस्ट्रक्शन फ्रॉम गुड एंड साउंड मटेरियल। तो जो स्कैफोल्ड बनाए जाते हैं इसके मटेरियल क्या होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए और साउंड होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इट शुड नॉट बी इरेक्टेड ऑन लूज अर्थ। तो लूज अर्थ पे इसको नहीं बनाना है क्योंकि लूज अर्थ पर बैठेगा, जैसे वैसे बनाएंगे लोड बढ़ेगा तो दबेगा, तो दबने के बाद टिल्ट होने का डर है, एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पाइप ज्वाइंट पार्ट टू बी क्लैंप विथ फिक्स क्लैंप। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि इस तरह का ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल पाइप जहाँ पे मिलता है, तो ये तो कैपलॉक का इसका फोल्ड है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सारे पॉइंट दिए रहते हैं। तो जहाँ पाइप एंड क्लैंप वाली जो इसका फोल्ड रहेगी, तो वहाँ पे जहाँ वर्टिकल और हॉरिजेंटल मिलेगा वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स क्लैंप का इस्तेमाल करना है, जिसे राइट क्लैंप भी बोलते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करना है वर्टिकल और हॉरिजेंटल पाइप ज्वाइंट पर। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेसिंग टू बी प्लेस प्रॉपरली फॉर रिजिडिटी ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्ड को जो रिजिड देता है, ताकत देता है, वो क्या होता है, ब्रेसिंग होता है। तो ब्रेसिंग को है जो प्रॉपरली सभी जगह पे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे ब्रेसिंग लगाना जरूरी है, ताकि स्कैफोल्ड है जो अपने आप में मजबूत हो जाए, रिजिड हो जाए और हिले नहीं। सेवन देखेंगे, सोल प्लेट एंड बेस प्लेट नीड टू बी प्रोवाइडेड। तो डिपेंड्स करता है, बेस प्लेट तो लगाना ही है, सोल प्लेट अगर वैसे एरिया में हम जहाँ काम कर रहे हैं जहाँ की मिट्टी गीली है या कुछ है, तो वहाँ पे सोल प्लेट लगाना जो कि टिम्बर फॉर्म में आता है। तो ये टिम्बर में लंबा लगाना है तो टिम्बर में छोटे लगेंगे तो मेटेलिक भी आएगा, तो इसका लगाना वहाँ पे जरूरी है, यानी सोल प्लेट और बेस प्लेट का लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्विस प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग इरेक्शन। तो जब भी इरेक्शन करते हैं तो एक से दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे है जो सर्विस प्लेटफॉर्म करके ही ऊपर जाना है, इस तरह से करते जाना है ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अदरवाइज गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बैरिकेड द एरिया विथ वार्निंग साइन बोर्ड। तो जहाँ भी इरेक्शन एक्टिविटी चल रहा है वहाँ पे है जो एरिया को बैरिकेड कर देना चाहिए और वहाँ पे वार्निंग बोर्ड लगा देना चाहिए, क्योंकि ऊपर से कुछ गिरने की संभावना रहती है, कभी भी गिर सकती है। और इस केस में बाई मिस्टेक कभी कभी पाइप ऊपर से गिरते हुए नजर आए हैं, प्लैंक्स गिरते हुए नजर आए हैं, क्लैंप्स गिरते हुए नजर आए हैं, तो ये सारे केसेज वहाँ पे होते रहती है। तो चलिए, ये सब मैंने अभी कुछ पॉइंट देखा जो कि ये बता रहा था कि इसका फोल्ड इरेक्शन करने कैसे करना है और उनमें किन किन चीजों का ध्यान। अभी इसके कुछ सेफ्टी पॉइंट को देख लेते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल इरेक्टिंग स्कैफोल्ड। तो सबसे पहले, चेक फॉर रस्ट इन पाइप्स एंड क्लैंप्स। तो जो भी हम इसमें मटेरियल यूज करने वाले हैं स्कैफोल्ड के लिए, पाइप्स क्लैंप्स, तो ये सारे रस्टेड नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, क्लैंप शुड बी इन गुड कंडीशन। क्लैंप्स है जो अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, रस्टेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं उसको क्लैंप को लगा रहे हैं तो फेल कर जाता है, तो उस तरह का क्लैंप का इस्तेमाल नहीं करना है। द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिजिड एंड प्रॉपरली बेस्ड। कंस्ट्रक्शन जो इसका फोल्ड का हो रहा है वो रिजिड होना चाहिए, जो कि बताया रिजिड करने का क्या तरीका, ब्रेसिंग प्रॉपरली लगाना है एंड प्रॉपरली बेस्ड होना चाहिए, इसका ग्राउंड कंडीशन भी अच्छे होने चाहिए। गुड एंड साउंड मटेरियल टू बी यूज, इसमें मटेरियल जो होना चाहिए अच्छे किस्म का होना चाहिए और साउंड होना चाहिए, मतलब हल्का होना चाहिए, ज़्यादा वजन नहीं हो, तो इस तरह के मटेरियल से इसका फोल्ड पाइप बनाए जाते हैं। वर्टिकल पोल शुड नॉट बी मोर देन 6 फीट। तो जो पहला वर्टिकल पोल जो ए वाला लगाते हैं, यह 6 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। नेवर थ्रो एनी मटेरियल फ्रॉम हाइट। हाइट एक्टिविटी में ऐसा पाया जाता है और देखा जाता है कि कभी कभी ऊपर से मटेरियल फेंक दिए जाते हैं, या तो एक गलत एक्टिविटी है, ऊपर से मटेरियल को कभी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि वो किसी को भी हिट कर सकता है। यूज सेफ्टी हार्नेस वाइल वर्किंग हाइट अबव 6 फीट और 1.8 मीटर। तो 1.8 मीटर या 6 फीट से ज़्यादा अगर हाइट पे जाते हैं स्कैफोल्ड इरेक्शन के लिए, तो वहाँ पे हार्नेस को लगाना जरूरी है।
और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्कैफोल्ड टाई अप प्रॉपरली। स्कैफोल्ड को जगह जगह अगर हाइट जाता है तो जगह जगह इसको टाई अप करना है ताकि स्कैफोल्ड कोलैप्स होने का डर ना हो। तो ये अभी आपने देखा स्कैफोल्ड बनाने का, इरेक्ट करने का क्या तरीका है और उसमें सेफ्टी मेजर लेने का क्या तरीका है, इसके बारे में जाना। तो चलिए मैं अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।